भाई किला तो है ये, देखो कुछ ये ऐसे रास्ते हैं, ऐसे जाना है मुझे, ये छोटा छोटा ये Check the mic and make sure it sound right, boys. वो जो पीछे देख रहे हैं वो नाहरगढ़ दुर्ग है, नाहरगढ़ का किला, जो टोटल मतलब ये जो पर्वत श्रेणी है ये अरावली पर्वत श्रेणी है जिसके ऊपर ये बना हुआ है। ये भी जयसिंह द्वितीय ने बनाया है 1734 में। तो देखिए ये ऊपर जाने के बाद थोड़ा व्यू और भी थोड़ा झकास लगेगा, पूरा इसके नीचे आपको जयपुर दिखाई देगा, पिंक सिटी पूरा वहाँ से आपको दिखाई देगी। तो चलते हैं ऊपर, और मैं पैदल ही जा रहा हूँ, ये देख रहे हैं पूरा ढलाव है, और खाना ना खाने की वजह से थोड़ा एनर्जी कम हो गई है। चलते हैं, फिर चलते रहते हैं। ये खुला हुआ है ना, चढ़े आ जा। चलिए ऊपर आराम आराम से दिखाते हैं। अभी देखिए ये रहा रही है जयपुर, ये सारा अरावली पर्वत श्रेणी है। मेरा किसी दुर्ग के ऊपर पहला चढ़ाई है नाहरगढ़ किला। यार सच में कितनी मुसीबत होती होगी इतना ऊपर चढ़ना उतरना। ये देखिए पूरा जयपुर, ये रियल जयपुर है, वो सिटी पैलेस। और क्या बताएं, अच्छा लग रहा है। सुंदर जयपुर का नजारा भाई, किला तो है ये, देखो कुछ ये ऐसे रास्ते हैं, ऐसे जाना है मुझे, ये छोटा छोटा ये भाई पहली चढ़ाई और इतना दिक्कत। कोई नहीं, इतना दूर आ गए जयपुर तो ये भी चढ़ेंगे, कुछ नहीं होगा, वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा कि कुछ तो कर रहे हैं। चलो चले ऊपर, कितना टाइम लगेगा? एक घंटा लग जाएगा। क्या है भैया, ये फोटो खींचेंगे तुम्हारा, डूंगर जीतता है तो डूंगर। यार क्या से चढ़े हैं, पहले चलेंगे भैया। चलो आ जाओ आ जाओ, मारते ला रहा है हमारा भी सो के, मस्त नहीं है क्या तुम्हारा, घूमने आओगे यहीं क्यों, यहीं क्यों? नहीं, भूत बंगला है क्या? हाँ भूत बंगला है, ठीक से जाना ठीक है। भूतों से डर लगती है? देख लो ये देखो भूत का नाम लेते हुए, देख रहे हो? कैमरा लगा रहा है। हाँ, और कुछ बोलो, क्या करते हो, कौन सी क्लास में हो? हम एना पगली। एना पगली? हाँ। ये कौन सा क्लास है? एना पगली। ओहो, वो देख भाई, वो दो इंसान छोटे छोटे जो उतने ऊपर चढ़ गए हैं, और दो तीन लाइन लेयर जो दिखाई दे रहा है यहाँ से, उसके ऊपर जाने हैं। वो भाई मस्त है यार, मुझे तो क्या बताऊँ, जंतर मंतर तो कुछ नहीं था इसके, यार पैसे कटवा दिए, फिर कोई नहीं, इतना दूर आए हैं तो जंतर मंतर भी घूम लेते, और घूम लिया, और जो मस्त है ये है। और भाई क्या बताएं, ओ भाई जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे हैं तैसे जयपुर सुंदर दिखाई देने जा रहा है। भाई चढ़ रहे हो या उतर रहे हो तुम लोग? चढ़ रहे हैं। अरे यार
कब तक खुला रहता है? 6 बजे तक? पता नहीं क्या क्या खुला रहता है। प्रेत आत्मा है, एक आत्मा है यहाँ पे। तो ऐसे लड़के भटकाने वाले आपको मिल जाएंगे। ये 10 बजे तक खुली रहती है, 6 बजे तक खुली रहती है। मैं ऐसे ही पूछा, अब इन्होंने मजाक किया होगा, लेकिन ये 6 बजे तक खुली रहती है। ओ भाई भाई, ये भी अभी ये बगल में ही है। क्या हो गया यार, देख रहे हो ये? आगे आधा हूँ, आधा तय कर चुका हूँ, आधा बचा है। जो ही बचा है उसको भी कैप्चर करेंगे आज, छोड़ना तो है नहीं। उस पे जातना से ही मिलेंगे जो यहाँ पे घूमती है। क्या ये भाई यहाँ भी अपना छाप छोड़ के गए? बस इनसे यही होता है और कुछ नहीं होगा। लड़की का नाम मालूम ही नहीं होगा उसको, कौन है, बस लिख दिया। शायद 70% चढ़ गया हूँ, सांस चढ़ रही है, मतलब इनक्रेडिबल जयपुर। It sound right, boy. फाइनली हम 95% चढ़ाई कर चुके हैं, बचा है 5%, जो ये थोड़ा सा बचा है। और सच में यार बहुत हाइट है, चढ़ने के समय सांस फूल रही है। और इधर भी जाना है, वो जो वाल है वैसा ही है, उससे छोटा है थोड़ा, लेकिन वैसा ही है। तो पहुंच गए हम, ये एंट्री गेट भाई, और फाइनली हम आ गए नाहरगढ़ के किले के अंदर। सुना कि भाई सारे कुछ टिकट काउंटर आगे से, अभी और भी जाना है भाई टिकट काउंटर। 50 में शायद एंट्री फी है यहाँ, चलो देखते हैं। हाँ, और एक बात, आप ऊपर यहाँ आप बाइक से भी आ सकते हैं और ऑटो शेयर भी कर सकते हैं, जैसे वो लोग आए हैं शेयर करके, उससे आसानी होगी। आप फैमिली के साथ है तो कार रेंट कर ले, नहीं तो अकेला है मेरे जैसे, कूद जाइए बस और दौड़ते रहिए आराम से। 20 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, 20 मिनट में आराम से हम ऊपर चढ़ जाएंगे। और ऊपर देखते हैं कितना टाइम लगता है, अभी तो वो सब देखना है भाई। अभी तो किला बागी है, किला में 1 घंटा लग ही जाएगा। भाई फाइनली आ गए, नाहरगढ़ का बोर्ड लगा है, इसका मतलब हम आ गए हैं। और आगे टिकट काउंटर है भाई, मेन एंट्रेंस। यहाँ कुछ स्पेशल भी है भाई, अब 20 तारीख को आते हैं तो आपको एंट्री फ्री मिलेगी। और ऐसे इंडियन के लिए 50 रुपये है। नीचे से ऐसे लग रहा था कि पूरा खाली ही होगा, और आने के बाद जो इस पे भीड़ है वो आप देख सकते हैं, चारों तरफ लोग ही लोग हैं भाई, बहुत मतलब। Big 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 big
माधव भवन है। ये माधव सिंह द्वितीय ने ये बिल्डिंग बनाया था। इसमें टोटल 10 रूम है और जिसमें एक राजा का रूम है और 9 उनकी रानियों के लिए है। जो एक गलियारा भी है इसमें जो 9 रूम से गुजरता है और जिसमें 9 रानियों का रहने का खाने का पीने का सब सामान था। कुछ ऐसा है मतलब गलियारा जो राजा के एक रूम से इधर थोड़ा अंधेरा है। ये राजा का मतलब एक रूम और जिसमें ये टॉयलेट है ठीक। जो सारे गलियारे हैं अभी भी भाई अभी नहीं रहने के टाइम तो कुछ ठीक ठाक नहीं था, साफ सुथरा नहीं था। मतलब यही है माधव सिंह ने इसीलिए बनाया था कि एक रूम में वो रहे, 9 रूम में उनकी रानियाँ रहें और 9 रूम का वही है, एक ही रूम से सब जुड़ा हुआ है, एक रूम से वो 9 रूम में जा सकता है। ये कुछ आर्किटेक्चर ये शायद गर्म करने के लिए, रूम टेम्परेचर बढ़ाने के लिए है। Sound right, boy. अब माधव सिंह ने इसको बनाया है तो अपने स्टाइल से बनाया है। एक रूम से निकले और सारे रानियों के जिसके रूम में वो जाना चाहे उसके रूम में आराम से जा सकता है। ऐसे ही सारे गलियारे 9 रूम बताया था, 9 रूम के होकर गुजरता है। जिस रानी के पास ठहरने जाए उस रानी के रूम में वो ठहर सकता है। और सारे सुविधाएं थे, हर एक रूम में टॉयलेट, खाना बनाने के लिए किचन, सारे कुछ है। तो भाई राजा ने मेहनत किया था, दिमाग लगाया था। ये यहाँ मोटे वाले सवाई सिंह नहीं चढ़ सकते हैं जो 250 क्विंटल के थे। यहाँ दुबले पतले लोगों की जरूरत है चढ़ने के लिए। दुर्ग है भाई, जोड़ियल है। ये कुछ ऐसे देखेंगे ऊपर से, कुछ ऊपर से ऐसे दिखेगा। ये हमारा दुर्ग बहुत खूबसूरत है, जरूर आइए आप। जयपुर मतलब यहाँ से देखिए जंतर मंतर, सिटी पैलेस, हवा महल, सारे छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। तो इसके ऊपर चढ़ने का कुछ फ़ायदा यही हुआ कि सारे छोटे छोटे हो गए हैं और सारे जयपुर, यहाँ से सारा जयपुर, आधा जयपुर दिखाई दे रहा है और आधा तो उस साइड है जो उस साइड से थोड़ा सा दिखाया था, लेकिन रियल व्यू अब जयपुर यहीं से। चढ़ने में तो कठिनाई हुई लेकिन मज़ा भी आ रहा है अब, यहाँ बहुत अच्छा है। बहुत जंगल है, बहुत जंगल।